हेलो जी व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट। सो कैसे हो सारे, आई होप कि आप सब बढ़िया होगा हमेशा की तरह। सो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले कुछ स्टेप का ब्रॉड केस फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक सा लग रहा है एंड जिले आप इस टाइप का एडिटिंग करना सीख जाओगे काफ़ी कम टाइम में। बस आप वीडियो को बिना स्किप किया लास्ट तक देखते रहना एंड अगर आप इस टाइप का एडिट करते हो तो मुझे इस टाइप अटैक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फिर आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो आपको सबसे पहले क्या करना, अपने फोन के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना। सो मैंने यहाँ से अपने फोन के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लिया एंड वहाँ पे आप सभी को नॉर्मली इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। ओके गाइस, सो आप सभी को इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ओपन करने के बाद आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे क्या कहाँ करना है कि आपको यहाँ पे टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आप सबको यहाँ पे क्रॉप में आना है एंड क्रॉप में आने के बाद आप सबको यहाँ पे पोर्ट्रेट साइज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ओके एंड उसके बाद फिर आप सभी को सिंपल यहाँ पे कर देना, पोर्ट्रेट साइज सेलेक्ट करने के बाद डन कर देना। तो आपका ये जो बैकग्राउंड का साइज है वो इंस्टा पोर्ट्रेट साइज हो चुका। एंड इसके बाद फिर आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, एंड में यहाँ पे जो भी करूँगा इस फोटो के लिए बैकग्राउंड पेंज वो सारे का लिंक आपको हमेशा तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप सब वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, सो इस वाले बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपल ऐड फोटो ऑल या ऑप्शन में आना। सो हम यहाँ से ऐड फोटो में आते हैं एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को यहाँ से एक क्या करना, आप सभी को यहाँ पे वही कैज मतलब पिंजरा पीएनजी को आप सभी को यहाँ पे ऐड कर लेना। ओके तो इसे पिंजरा पीएनजी को लाने के बाद आप सभी को यहाँ पे इस टाइप से जाना सबसे पहले तो इरेज में एंड यहाँ जो ये ऊपर वाला पार्ट है आप सभी को इसे इरेज कर देना। इरेज करने के बाद आप सबको डन करना एंड उसके बाद फिर आप सभी को इस वाले पीएनजी को इस टाइप से बैकग्राउंड के ऊपर परफेक्ट सेट करना एंड सेट करने के बाद फिर आप सभी को ये जो ऊपर वाला साइड है आप सभी को इसे इस तरीके से खींच के ऐसा लंबा टाइप का बना देना। ओके आप सब समझ रहे हो मैं कैसा बात करूँ, आप सब देख भी लिया एंड मैं बोला समझ भी गए होगे। सो आपको इस टाइप से बना लेना, आपका इसे कैश पिंजरा पीएनजी को इस टाइप का बना लेना। इस टाइप से बनाने के बाद आप सबको यहाँ पे प्लस वाला आइकॉन आप सबको इस पर टैप करना है एंड यहाँ पे आप सबको ऐड फोटो में ऐसा ले आना है। ओके एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सबको इस बार ऐड कर लेना अपने फोटो को। सो मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ। ओके एंड ऐड करने के बाद आप सभी को क्या करना है, एंड ये जो फोटो इसे मैं पहले से कटआउट करके रखा हूँ। सो अगर आपको कटआउट करना नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है जो आप लोग जाकर आप लोग ये वीडियो देख लेना, आप लोग कटआउट करना सीख जाओगे। यहाँ पे मैं लड़खड़ा जाता हूँ सो इग्नोर करना। ओके सो अपने फोटो को लाने के बाद परफेक्ट अच्छे तरीके से इसे कैश पिंजरा पीएनजी को ऊपर सेट कर देना एंड सेट करने के बाद फिर आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आप सबको इधर लेयर वाले ऑप्शन देकर आप सबको इसे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। ओके एंड यहाँ पर आप सबको मूव डाउन कर देना। ओके गाइस, सो आपका ये जो पीएनजी रहेगा फोटो का फोटो रहेगा आपका ये कैश पिंजरा के पीछे चला जाएगा। तो इस टाइप से सेट करने के बाद आप सभी को फिर यहाँ पे क्या करना, इस बार आप लोग को यहाँ पे लेयर से निकलना है एंड अब आपको टैप करना है इस पिंजरा की पीएनजी के ऊपर टैप करना। ओके सो हम पिंजरा के ऊपर टैप कर लिया एंड टैप करने के बाद फिर आप सबको यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन में आना एंड इरेज वाले ऑप्शन में आने के बाद इरेज में आना एंड इसका हार्डनेस को आप सबको फुल कर देना एंड साइज अपने हिसाब से रख लेना। एंड फिर आप सबको यहाँ पे करना क्या कि ये जो पिंजरा पीएनजी का जो लाइन दिख रहा है आप सबको यहाँ पे ये, तो इसका जो पार्ट है कौन सा पार्ट पीछे का एंड कौन सा पार्ट आगे का आप सब समझ रहे हो मैं किस तरीके का बोलना चाह रहा हूँ। सो आप सब उसे सिंपल इरेज कर लेना। ओके जो भी पार्ट आपके पीछे का रहेगा आप सब उसे इरेज करके परफेक्ट अच्छे तरीके से कर लेना एंड जो आगे का रहेगा आप सब उसे छोड़ देना वैसा ही। ओके सो हमने एक तो कर लिया एंड उसके बाद एक ये रहा पीछे का, तो हम सब इसे इरेज करेंगे। आप सब देख रहे हो तो यहाँ पे भी कुछ भी काम नहीं है तो हम लोग ऊपर की तरफ ऐसा आएंगे एंड यहाँ पे हमारा आ गया भाई, तो हम लोग इसे यहाँ से स्टेप से ऐसा इरेज कर देंगे। आप सब देखो तो हम लोग इरेज ट्रोल ब्रश में आएंगे, यहाँ से हल्का सा ऐसा ब्रश कर दिया एंड जो भी इसके बाद फिर हम लोग को ऊपर आएगा इस सब इससे जो भी हमारे बॉडी के पार्ट को ऊपर आया है हम लोग इरेज कर देंगे स्टेप से। ओके गाइस, सो हमने स्टेप से ऐसा इरेज किया एंड इसी तरीके से आप सभी को ऐसा कर लेना, एक ऊपर एंड एक नीचे रहेगा। सो आप सभी से स्टेप से ऐसा इरेज कर लेना। इरेज करने के बाद फिर आप सब सिंपल देखो एंड आप सब देख सकते हो मैंने परफेक्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे एक को मैंने ऊपर वाले इरेज कर दिया एंड आप सब सॉरी मतलब जो आपका पीछे वाला जो पार्ट था मैंने उसे इरेज कर दिया एंड आप सब समझ रहे हो मैं किस तरीके से क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो सिंपल उस टाइप से आप लोग कर लेना एंड इस टाइप से करने के बाद सिंपल आप सब यहाँ पे कर देना डन। ओके गाइस, सो आप सबका यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो जाएगा एंड मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं आ रहा कि मैं आप सबको कैसे यहाँ पे समझाऊँ। सो होपफुली आप सब समझ गए होंगे। सो लाइक जरूर से कर देना एंड इस टाइप से आप लोग को बना लेने के बाद फिर आप लोग को ऐड फोटो में आना एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सबको यहाँ पे शैडो पीएनजी को लाना एंड इस टाइप से आप लोग ये जो कैच पिंजरा पीएनजी आप सबको यहाँ पे इस टाइप से ऐसे पिंजरा के पास ऐड कर देना, इसका शैडो बना देना ताकि भाई ये फेक सा ना लगे। ओके एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है, फिर से डुप्लीकेट एंड इस टाइप से ऐसा सेट कर देना एंड उसके बाद सिंपल आप सब यहाँ पे डन कर देना फिर। ओके गाइस, सो ये तो हो गया एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने यहाँ पे भाई शैडो तो बना लिया आप सब देख सकते हो, तो शैडो बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो हम लोग इसके बाद फिर से यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन में आएंगे एंड ऐड फोटो में आने के बाद हम सबको यहाँ से एक बर्ड्स पीएनजी को ले लेना। ओके
एंड इसे लाने के बाद फिर आप सबको यहाँ पे क्या करना, एक को लाना इसे एंड इसे ऊपर के साइड में स्टेप्स ऐसा सेट कर देना। एंड इसी तरीके से आपको एक एक करके आप सभी को सेट कर लेना, सभी बट्स पीएनजी को आप सबको सेट कर लेना ओके। एंड उसके बाद सिंपल आप लोग को डन कर देना। तो इस टाइप से मैंने भाई कर लिया सभी को सेट, आप सब देख सकते हो। एंड इस टाइप से आप सभी को भी सेट कर लेना। एंड उसके बाद फिर से आप सभी को ऐड फोटो वाला ऑप्शन माना। एंड ऐड फोटो वाले ऑप्शन माने के बाद आप उसको ब्लर ग्रास पीएनजी है सब सबको उसे लाना। एंड ग्रास पीएनजी को लाने के बाद इस टाइप से ऐसा सेट कर देना। एंड उसके बाद सिंपल डन कर देना, आप सब देख सकते हो। एंड इस टाइप से हमारे यहाँ पे जितना भी स्टेप था वो सारा स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। इसलिए हम लोग अपनी इस फोटो को ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेंगे ओके गाइस। सो ये तो हो गया। एंड इसके बाद फिर हम लोग अपनी इसी फोटो को ओपन कर लेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। उसमें यहाँ पे कर लेता हूँ एंड लाइट रूम के अंदर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। एंड लाइट रूम के अंदर लाने के बाद आप सबको यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल आप सबको कलर वाली ऑप्शन में आना, वाइब्रेंस को आप सबको यहाँ पे इंक्रीज करना। एंड उसके बाद आप सबको मिक्स में चले आना, जहाँ पे आप सबको यहाँ पे पर्पल कलर का सैचुरेशन माइनस की तरफ करना एंड ब्लू कलर का सैचुरेशन माइनस की तरफ। एंड उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में आना, क्लैरिटी को इंक्रीज़ करना एंड विग्नेट को माइनस की तरफ रखना। एंड उसके बाद आप लोग को डिटेल वाले ऑप्शन में आना, शार्पनेस को इंक्रीज करना, नीचे की तरफ कलर नॉइज रिडक्शन को एंड स्मूथनेस को फुल करना। एंड इसके बाद फिर आप सभी को चले आना यहाँ पे सिलेक्टिव वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे आप लोग प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना एंड यहाँ पे राउंड सर्कल वाले को चूज कर लेना। एंड उसे सेलेक्ट करने के बाद इस टाइप से ऐसा कर लेना और इसका एक्सपोजर को माइनस की तरफ कर देना। एंड उसके बाद सिंपल आप सबको यहाँ पे डन कर देना। एंड बिफोर एंड आफ्टर आप सब यहाँ पे फोटो का देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। सो आई होप का स्पीड आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। होपफुली भाई आप सब समझ गए जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि आज के वीडियो में मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ वीडियो बनाने में एंड वॉइस रिकॉर्ड करने में। सो इग्नोर एंड मैं मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।